हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि जीना तमान संग हिट थी एक्टर की जोड़ी। राज कपूर की हीरोइन पर हुआ था फिदा, देखते ही डायलॉग भूल गई थी शर्मिला टैगोर। सदी के महानायक कहलाने वाले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को स्टार बनाने में कहीं ना कहीं शशि कपूर का भी हाथ है। शशि कपूर की जोड़ी कभी जीना तमान के साथ काफी पसंद की जाती थी। वहीं साल 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया था और कमाई के मामले में भी फिल्म को काफी पसंद किया गया था। फिल्म में जीना तमान और शशि कपूर की जोड़ी ने तो लोगों को दीवाना ही बना दिया था। शशि कपूर ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनके डायलॉग बोलने का वो बेबाक अंदाज, बड़ी बड़ी आंखें और जबरदस्त कद काठी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। लेकिन उनकी यही हैंडसम उनका उनके करियर के लिए ठीक साबित नहीं हुआ था। बात करें अगर 70 के दशक की, तो 70 के दशक में ऐसे एक नहीं बल्कि कई एक्टर इंडस्ट्री में छाए हुए थे जिनकी ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि लुक के भी लोग दीवाने थे। खास तौर पर शशि कपूर की खूबसूरती पर लोग मर मिटने को तैयार थे और उनकी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी थी। उन्हें पहली बार देखकर तो शर्मिला टैगोर भी एक्टिंग करना भूल गई थी। यूं तो शशि कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनके हैंडसम होने की वजह से मेकर्स उन्हें सिर्फ रोमांटिक रोल में ही देखना पसंद करते थे। उनके टैलेंट को कभी पहचान ही नहीं पाए थे। शशि कपूर ने कभी अपने करियर में अलग अलग तरीके के रोल नहीं निभाए क्योंकि कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला। उनके लुक की वजह से किसी ने उन्हें अलग तरीके के जॉनर में देखने की कोशिश ही नहीं की। अपने लुक की वजह से वे सिर्फ रोमांटिक हीरो ही बनकर रह गए थे। शशि कपूर ने सिमी ग्रेवाल के साथ फिल्म सिद्धार्थ में काम किया था और इस फिल्म में एक सीन के दौरान एक्ट्रेस काफी नर्वस हो रही थी। फिल्म का एक सीन था जिसमें शशि कपूर उनकी खूबसूरती देखते ही उन पर फिदा हो गए थे। इस बात का जिक्र एक्ट्रेस ने खुद असीम छाबड़ा की किताब शशि कपूर द हाउस होल्डर स्टार में किया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्मिला टैगोर ने खुद बताया था कि कश्मीर की कली के सेट पर एक बार शशि कपूर अचानक आ गए थे। उन्होंने जब पहली बार शशि कपूर को देखा तो वह होश गवा बैठी थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें देखकर वह अपने डायलॉग्स भी भूल गई थी। आपको इस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।